भाई उधर देखो उधर। ये है आम जिंदगी, ये है गोदी मीडिया जिंदगी। ये देखिए शाहरुख खान ने थूका है या ये प्रश्नार्थक है, थूका है फूका है या क्या किया है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। इस वक्त किसी प्रकार का दावा नहीं, बस प्रश्न के साथ ये कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हम इस रिवाज को जानते नहीं और ये रिवाज अगर होगा भी तो ये उनमें होगा। लता दीदी जैसे भारत रत्न पर इस प्रकार की हरकत को आखिर इतनी बड़ी हरकत कैसे स्वीकार हो सकती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उनकी श्रद्धा है, ये उनका तरीका है, ये उनके संस्कार हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो अच्छी तरह से किया है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई बुरे इरादे से कुछ करेंगे, वो भी लता जी को, जिनको वो जिनके घर में कई बार जा चुके हैं, जिनके घर में कई बार दीदी कहते हैं उनको। और क्या आप समझते हैं कि इस ऐसे पाक अवसर पर कोई ऐसी हरकत करेगा, वो भी कैमरे के सामने? आप लोग क्या इसको इश्यू बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। सर लता मंगेशकर जी की जो फैमिली इस वक्त आपके इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी। वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी। म्यूजिक प्रज्ञा मिश्रा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते और कहते हैं, अपनी रवायत अनुसार शाहरुख खान ने तो फातिया पढ़कर कलमा फूका था, मगर नपति चिंटू ने चाट कर बता दिया कि वो थूक है। हरामी हो बेटा। इस नफरती चिंगारी के फैलने पर रूबिका लियाकत जी लिखते हैं, अरुण जी से थूकना नहीं फातिया पढ़ना कहते हैं, दुआएं पढ़कर फूकना कहते हैं। इस पर राजीव ध्यानी जी रूबिका लियाकत को लिखते हैं, अब आप किसी को नहीं समझा पाएंगे रूबिका जी, जहर बहुत फैल चुका है, जहर फैलाने के गुनाह में आप भी शामिल रही हैं। हम आप तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अफसोस कि आपके फैलाई इस जहर की आँच हमारे आने वाले नस्लों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।